रूल्स ऑफ सक्सेस, रूल नंबर 9 फॉर सक्सेस इज टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल रिजल्ट्स। आपको सारी चीजों की जिम्मेदारी खुद लेना है। सक्सेसफुल पीपल ऑलवेज फोकस ऑन रिजल्ट्स, दे नेवर फोकस ऑन एफर्ट। दुनिया हमेशा नतीजों को इनाम देती है, कोशिश को नहीं। तो जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है परिणामों की, वो आप पूरी जब तक खुद नहीं लेंगे तब तक आपके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। क्योंकि अगर आप दूसरों को ब्लेम देते रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपका मैरिज है, रिलेशनशिप है, आप वाइफ को ब्लेम कर रहे हैं कि वाइफ की वजह से ऐसा होता है, इनकी वजह से ऐसा होता है, इकोनॉमी की वजह से ऐसा होता है, कंपनी की वजह से ऐसा होता है, कस्टमर की वजह से ऐसा होता है, भाई प्रॉब्लम आप में है। जब तक आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे कि हाँ मेरी वजह से ऐसा हुआ, तब तक आपको सीखेंगे नहीं। तो क्या करना है, रूल नंबर 9 के, टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल रिजल्ट्स। जब तक आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे रिजल्ट्स की, कि जो कुछ भी हो रहा है सब आपकी वजह से, तब तक आप सुधार नहीं कर पाएंगे। तो आपको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना होती है। आप डील डन कर पाए नहीं कर पाए, यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें कस्टमर का कोई दोष नहीं है। आप अच्छे से सेलिंग नहीं कर पाए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप फोन नहीं अच्छे से कर पाए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि कस्टमर कोई नहीं कहेगा कि भैया आओ मुझे बेचो। सारी जिम्मेदारी आपको लेनी है कि कमी मेरे अंदर है, क्योंकि तब आप सुधार कर पाएंगे ना। क्योंकि आप खुद पे कंट्रोल कर सकते हैं, आप सामने वाले पे कंट्रोल नहीं कर सकते। आप सामने वाले को ब्लेम कर रहे हैं कि ये ऐसा होता है ऐसा होता है। मैं स्कूल कॉलेज में गया, वहां पे बच्चों से हमने कहा लिखो, एक बच्चा था वो लिख ही नहीं रहा। हमने पूछा भैया क्यों नहीं लिख रहे, बोला सर लिखते ही नहीं। हमें लिखना तुम्हें है, तुम नहीं लिख पा रहे। बाइक आपको दी है, कार मैंने आपको दी, आपको बाइक चलाना, कार चलाना नहीं आती, और आप ब्लेम करें कार को और बाइक को। सर चलती ही नहीं, सर स्टार्ट ही नहीं होती। नहीं भाई, वो स्टार्ट होती है, आप कहोगे मैं चला नहीं पाता हूं। क्योंकि जब आप ऐसे करोगे ना कि मैं चला नहीं पाता, तो आप सोचोगे कि मुझको चलाना कैसे, वरना आप सोचोगे यार बाइक नहीं चल रही, बाइक में कमी है, तो बाइक गड़बड़। तो आप क्या करोगे, फिर बाइक बदलोगे, दूसरी बाइक लाओगे, तीसरी लाओगे, चौथी लाओगे, लेकिन रीजन वही रहेगा, रिजल्ट्स नहीं आएंगे, आपका रिजल्ट रहेगा जीरो। और जब आप ये सोच लोगे कि यार मैं बाइक नहीं चला पाता हूं, मुझे सीखना है बाइक चलाना, क्योंकि सारे काम हम सीख के करते हैं, बाइक चलाना, कार चलाना, स्विमिंग है, तो हो पाता। आप करो पढ़ते ही नहीं, पढ़ा ही नहीं जाता, पढ़ना तुम्हें नहीं आता, डील डन होती ही नहीं। आप बोलते हो कस्टमर बेकार है, पैसा नहीं है लोगों के पास, सरकार हमारी बेकार है, लोग गरीब हैं, खरीदते नहीं है, अच्छे लोग नहीं है। नहीं भाई, यहां पे प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि तुम बेच नहीं पाते हो, तुम डील क्लोज नहीं कर पाते, तुम अच्छे से ग्रीट और मीट नहीं कर पाते हो, तुम्हारे अंदर एटीट्यूड की कमी है, तुम अच्छे से बिहेव नहीं कर पाते हो। तो तुम करोगे ना, जब ध्यान दोगे कि हाँ मुझे कुछ करना है, मुझे सुधारना, सुधार कहां पे करना है, सुधार इधर करना है, उधर नहीं, तब आप देखोगे, तब अपने आप को आप काटोगे छाटोगे तब। तो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल रिजल्ट, जो कुछ भी हो रहा है मेरी जिंदगी में। आप देखिए लोगों से मिलिए, वो अक्सर बोलेंगे सर हमारी किस्मत ही फूटी है, हमारी किस्मत में पैसा नहीं है, हम तो बहुत अच्छे हैं पर हमारे हस्बैंड हमको नहीं चाहते हैं। मैं हस्बैंड नहीं चाहते वो तुम्हारी गलती है, वाइफ नहीं चाहती तुमको तुम्हारी गलती। मेरे पास कितने लोग ऐसे आके बोलते हैं सर मेरी वाइफ मुझे नहीं चाहती, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो तुम्हें चाहे, तुम्हारे बच्चे तुम्हें चाहे, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो क्यों चाहेंगे, क्योंकि आप उन्हें चाह नहीं रहे हो ना। आप चाहोगे कि वो चाहें, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसी लेडीज नहीं है, औरत नहीं है जो अपने हस्बैंड को चाहे ना, जो अपने बच्चों को चाहे ना। बट कहीं ना कहीं कमी हो रही है, उनको देखना होता है, एनालाइज करना होता है कि कहां पे क्या हो रहा है। तो जब तक आप टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करोगे, मतलब आप जब तक खुद की सारी जिम्मेदारी नहीं लोगे कि हाँ मेरी वजह से ऐसा हो रहा है, मैं जिम्मेदारी लेता हूं इन सारी चीजों की, इन सारे कामों की, कि मेरी वजह से ऐसा हुआ है। जब तक आप वजह दूसरों को बताते रहोगे ना कि इसकी वजह से ऐसा होता है, उसकी वजह से ऐसा होता है, ये वजह है, वो वजह है, तब तक कुछ नहीं होना। वजह हम है, मेरी वजह से ऐसा हो रहा है ना। लोग क्या होते हैं, बॉस को दोष देते हैं कि बॉस सर हमारे यहाँ पे बहुत वैसे हैं, उनकी पॉलिसी ऐसी है, प्रोडक्ट नहीं अच्छे हैं सर, प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं सर, बहुत सस्ते होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। भाई जब सब कुछ तुम्हारे हिसाब से होना चाहिए तो तुम्हारी क्या जरूरत होगी। लोग अक्सर बोलते हैं सर एडवर्टाइज नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, ऐसा नहीं वैसा। अभी कुछ नहीं, कोई जरूरत नहीं। लोग बिजनेस करते हैं, लोगों की जरूरत होती है, और जो लोग जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, जो लोग चेंज नहीं होते हैं, बिलीव मानिए उनको दुनिया बदल के रख देती। अगर आप बदलेंगे नहीं तो आपको लोग बदल देंगे, आपकी जगह पे किसी दूसरे को बिठा देंगे। तो सारी चीजों की जिम्मेदारी लीजिए कि मेरी वजह से ये सब कुछ होता है, मैं वजह हूं, मैं कारण हूं, सारी दुनिया वजह नहीं है। आप सारी दुनिया को वजह देते रहते हैं, सारी दुनिया को वजह नहीं देना है।
टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल रिजल्ट्स। सारी चीजों की जिम्मेदारी किसको लेना है? आपको पूरी जिम्मेदारी लेना है कि सर मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं, जो कुछ भी होगा इसमें पाप पुण्य जो कुछ है वो सब मेरा है, सवाब अजाब जो कुछ है वो सब मेरा है, लॉस फायदा जो कुछ है वो सब मेरा है। तब काम आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं नहीं किसी चीज की, जिम्मेदारियों से भागते हैं। मोस्ट पीपल जिम्मेदारियों से भागते हैं, वो जिम्मेदारी नहीं लेते, वो बचते हैं जिम्मेदारियों से। अपने बच्चों की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, अपनी वाइफ की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, अपने बिजनेस की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, अपने काम की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, अपने स्कूल की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, अपने चर्च की, अपने मंदिर की, अपने मस्जिद की, अपने कम्युनिटी की, अपने लोगों की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, वो भागते हैं बचते हैं। उनका कुछ नहीं होना, आप जिम्मेदारी लीजिए सारी चीजों की और लाइफ में आगे बढ़ेंगे, है ना। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल योर रिजल्ट्स, ठीक है।